गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम फिर बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं। आज हम आपको क्लास वन का साइंस पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग अपना साइंस बुक निकालिए और हम पहले चैप्टर पर ध्यान देते हैं। तो हमारा पहला चैप्टर है आवर प्लांट वर्ल्ड, हमारा पेड़ पौधे है जगत, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं हमारा पेड़ पौधे है संसार। चलिए अब हम नीचे देखते हैं। ये नीचे में दिया गया है वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ पेड़ पौधे देखते हैं, ठीक है। हम लोग अपने चारों तरफ पेड़ पौधे देखते हैं। इसके आगे है दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, वे विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम नीचे टाइप्स ऑफ प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं। चलिए तो हम जानते हैं ये टाइप्स ऑफ प्लांट यानी पौधे के प्रकार, जो पेड़ पौधे हैं कितने प्रकार के होते हैं ये जानते हैं। तो प्लांट्स आर ऑफ मैनी टाइप्स, ये जो पौधे होते हैं ना विभिन्न यानी विभिन्न प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ पौधे छोटे होते हैं। तो ये है मेरा बिग प्लांट यानी बड़े पेड़ पौधे। तो यहाँ पे मेरा दिया गया है सम प्लांट्स आर बिग, कुछ पेड़ पौधे बड़े होते हैं, टॉल लंबे होते हैं, एंड और स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीज, उसे हम पेड़ कहते हैं। चलिए हम फिर नीचे जाते हैं। दे आर वेरी थिक, दे आर वेरी थिक, वे बहुत ही मोटे होते हैं, हार्ड कठोर होते हैं, एंड और ब्रॉन स्टेम, और उसका जो तना होता है भूरा होता है, कॉल्ड अ ट्रंक, उसे हम टहनी कहते हैं। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स, ये जो पेड़ होते हैं कई वर्षों तक जीवित रहते हैं यानी जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधे ये जो ट्री होते हैं ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। चलिए अब हम इसे नीचे, अब हम नीचे थोड़ा जाते हैं। तो नीचे में मेरा है स्मॉल प्लांट्स, छोटे पौधे। अब देखिए स्मॉल एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड सर्व्स, छोटे और झाड़ीदार पौधे होते हैं जिसे हम सर्व्स कहते हैं। दे आर थीन, वे पतले होते हैं, ब्राउन भूरे होते हैं, एंड और उडी और झाड़ीदार, उसका जो तना होता है वो झाड़ीदार तना होता है। ये जो सर्व्स होता है, सर्व्स लिव फॉर अ फ्यू ईयर्स, ये जो सर्व्स होता है ये कुछ वर्षों के लिए जीवित रहता है, ये कुछ वर्षों के लिए जिंदा रहता है। अब हम आगे देखते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉलर देन सर्व्स, कुछ पौधे सर्व से छोटे होते हैं, एंड हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम, और उसके पास मुलायम हरा तना होता है। दे आर कॉल्ड हर्ब्स, उसे हम हर्ब्स कहते हैं। अब हम फिर नीचे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है तुलसी लीव्स क्योर कॉल्ड एंड कफ, जो तुलसी का पत्ता होता है ना, जब किसी को खांसी वगैरह ऐसी हो जाती है
तो ये तुलसी का पत्ता उस खांसी को रोकने में मदद करता है। तो आगे हम चलते हैं। सम प्लांट्स हैव अ वीक स्टेम। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पास कमजोर तना होता है। दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड। वे जमीन पे रेंगते हैं। दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। वे क्रीपर्स कहलाते हैं। जैसे मस्क मेलन, वाटर मेलन, इसका दो एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं आगे। सम अदर वीक प्लांट क्लिम्ब अप ट्रीज एंड वॉल्स टू ग्रो। कुछ अदर यानी कुछ दूसरे वीक प्लांट यानी कमजोर पौधे होते हैं जो पेड़ पे चढ़ जाते हैं एंड वॉल्स और दीवार पर भी चढ़ जाते हैं, और उसी दीवार पे यानी बढ़ते हैं। दे आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। हम उसे लत्तीदार पेड़ कहते हैं। तो हमारा ये आगे हम इस क्वेश्चन पे जाते हैं। ये क्वेश्चन है आंसर इन वन वर्ड। हम इसका जवाब एक शब्द में देंगे। तो ये मेरा पहला क्वेश्चन है। व्हाट आर बिग प्लांट कॉल्ड। तो हमने पीछे पढ़ चुकी है, हमने पीछे आपको पढ़ा चुकी है कि बड़े पेड़ पौधे यहाँ पे ट्री कहलाते हैं। यहाँ पे हम ट्री दे देंगे। फिर है इसका सेकेंड। व्हाट इज द कलर ऑफ अ ट्रंक। जो टहनी होती है उसका कलर कैसा होता है। तो आपने तो पढ़ा है उसका कलर ब्राउन होता है। फिर इसका तीसरा है। विच प्लांट्स हैव थीन एंड वुडी स्टेम। विच प्लांट हैव थीन एंड वुडी स्टेम। कौन ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो तना होते हैं झाड़ीदार और पतले होते हैं। तो हमने पढ़ा है, चलिए देखते हैं एक बार। ये हर्ब्स, इसका आंसर होगा हर्ब्स। तो हमने आपके इस तीनों क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं। तो हम इस चैप्टर में मुख्य रूप से हम यही पढ़े हैं कि पेड़ पौधे या जगत यानी जो वो ऐसा संसार जहाँ पेड़ पौधे का संसार है। तो हम मुख्य रूप से ये पढ़े हैं कि पेड़ पौधे यहाँ पे इस बुक के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े और एक छोटे। बड़े पेड़ पौधे में ट्रीज यानी पेड़ आते हैं, जैसे आम का पेड़, बरगद का पेड़, नीम का पेड़, ये सब बिग प्लांट में आते हैं। और स्मॉल प्लांट में जैसे तुलसी का पेड़ हो गया, लोटस का पेड़ हो गया, इस ये हम एग्जांपल उसमें दे सकते हैं। तो हमने आपको आज इतना बताया है। तो फिर देखते हैं आगे। फिर आज हम आपका क्लास इतना ही तक लेते हैं। फिर हम फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, आपसे मुलाकात होगी। तो आज के लिए इतना ही। बस मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तीनों क्वेश्चन को कॉपी पे हो सके या फिर बुक में, इसी बुक में पेंसिल से, नहीं तो कॉपी पे पेंसिल से इसको बना लेना है। और एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितना हमने पढ़ाया है उसके आगे आप इसे दो बार रीडिंग दे दें, ध्यान पूर्वक रीडिंग दे दें, ताकि हम फिर आपको आगे पढ़ाए तो आपको पढ़ने में हिचकिचाहट नहीं हो। तो फिर आप इसे एक बार रीडिंग जरूर कर लें। ठीक है, धन्यवाद।